सुप्रभात प्रिय बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग शीर्षक बड़े घर की बेटी के अंतर्गत की बातों को आपको बताया था। आज पुनः क्लास को नियमित करते हुए पाठ के अन्य मौलिक बातों को रखने का बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पिछले क्लास में थोड़ी असुविधा हुई थी और वीडियो बहुत अच्छा नहीं हो पाया था। आज हम उसी की पुनरावृत्ति थोड़ा करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने यह देखा था कि स्वयं श्री कर्ण सिंह को इस बात का दर्द है, पीड़ा है कि जहां दूसरों को मैंने समझाया, दूसरों को घर को संभालने का निरंतर प्रयास किया, आज वही घर आपसी सूझबूझ के अभाव में विनाश के ओर अग्रसर हो रहा है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, शब्द आया है इसमें। दूसरों को उपदेश देना निश्चित रूप से सरल है, लेकिन स्वयं उस पर अमल करना सबसे मुश्किल काम है, कठिन है, जटिल है। आज उन्हें लग रहा है कि जिस काज के लिए मैं अपने मित्रों को डांटता था, फटकारता था, आज मैं कहाँ खड़ा हूं। और आज थोड़ा उनके मन अंदर में भी ऐसा लग रहा होगा कि जिस रास्ते को दूसरे से तय करवाने में अच्छा लगता है, स्वयं यदि तय करना पड़े तो कैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आदि आदि बातें इसमें रही। इसके पश्चात श्री कर्ण सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हुआ जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले यहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं मुंह न खोलूं। यह भी एक आत्मसम्मान की विपरीत बात है। उन्होंने जो कहा है गलत नहीं कहा है। श्री कर्ण सिंह बेनी माधव सिंह जब पूछते हैं कि क्यों, तो उसका भी उत्तर देते हैं कि मुझे भी अपनी आत्मसम्मान प्रतिष्ठा का ख्याल है और आज आपके घर में हट का और अन्याय का प्रचलन हो चुका है। मैं दूसरों का नौकर हूँ, मैं सोचता हूँ कि दूसरे के नौकरी कर करके जीव को उपार्जन कराऊँ, लेकिन मेरे ऊपर जिस प्रकार से यहाँ पर कुकृत्य किया जा रहा है मेरी पत्नी के साथ, वह निश्चित रूप से उपयोगी बात नहीं है। यहाँ पर खड़ाऊँ और जूतों से उनके ऊपर बौछार हो और मैं सह लूँ, ये तो मेरी कायरता है। कड़ी बात हो जाए कोई बात नहीं है, हम उसको सह सकते हैं, झेल सकते हैं, लेकिन जूते और चप्पल पड़े और मुंह न खोले, यह तो अनुपयोगी जैसा, यह तो उपयुक्त ही नहीं लगता। एक सभ्य समाज में इस प्रकार की व्यवहार, इस प्रकार का कुकृत्य शोभा का चीज नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कितना होने के पश्चात मैं मुंह न खोलूँ और आपको ऐसे ही छोड़ दूँ। बिन मानव से कुछ जवाब न दे सके, श्री कर्ण सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनका ऐसे तेवर देकर बूढ़ा अवाक रह गया, केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्री कर्ण सिंह सदैव अपने पिता का बड़ा सम्मान इज्जत करते थे, लेकिन आज उसकी इस प्रकार की
शारीरिक मनोदशा देख करके वे भी अवाक रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। केवल इतना ही बोले, बेटा तुम बुद्धिमान हो, तुम स्त्रियों की बातों को लेकर के इस प्रकार से करोगे तो घर सत्यानाश की ओर निकल पड़ेगा, सोच समझ करके किया करो, ज़्यादा बेहतर होगा। श्री कर्ण सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गाँव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय पशुत व्यवहार असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। थोड़ा क्रोधित है श्री कर्ण सिंह, अपने पिता को समझाते हैं कि आपके आशीर्वाद से मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं हूँ, आपको ये भी पता है कि मेरे समझाने बुझाने से कितने घर इस गाँव में संभल गए, लेकिन जिससे स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में शपथ ले लिया हूँ, क्या उसके प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, कोई धर्म नहीं है? स्वाभाविक रूप से है नहीं, और उसके साथ जिस प्रकार से पाशविक प्रवृत्ति के साथ बर्ताव किया जा रहा है, अमानवीय कुकृत्य किए जा रहे हैं, इसको मैं कैसे सहज स्वीकार कर सकूं? आप मेरी जगह पर होते तो आप क्या करते? यही कम नहीं हुआ कि अभी तक मैंने लाल बिहारी को कोई दंड नहीं दिया, यही मेरे लिए अभी तक बहुत कुछ है। अब यानी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और न सुन सके, बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उसे कभी भूल चुको, उसके कान पकड़ो, लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। लाल बिहारी बेनी माधव सिंह भी थोड़ा गर्म हो गए और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि लाल बिहारी तुम्हारा छोटा भाई है, अगर उसे कोई गलती हुई उसे कान पकड़ो, उसे समझाओ, उसे डांटो, उसको फटकाओ, उसमें कोई इतराज हमारा नहीं है। लेकिन आज श्री कर्ण सिंह बहुत ज़्यादा व्यथित हैं और साफ साफ शब्दों में उस भाई को उन्होंने कहा जिस भाई के प्रति सहृदयता की कोई कमी नहीं की थी, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण है। स्त्री के पीछे का बात इसमें नहीं है, उसका जो अव्यवहारिक पाशविक प्रकृति और प्रवृत्ति है, उसकी जो क्रूरता है, इसके कारण दोनों कुदे चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का कुछ शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के एक कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्री कर्ण सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएँ उकलाने लगी। गाँव में कुछ ऐसी कुटिल मनुष्य भी थे जो स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। इन महानुभावों की शुभकामनाएँ आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का ने कोई लगान के रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। ठाकुर साहब चाहते थे कि इस लड़के का खुद कुछ शांत हो जाए, लेकिन ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कुछ गलती की है, अनुचित काम किया है। इसी बीच गांव की जो परंपरा है, लोग तो चाहते ही हैं कि जो घर फल फूल रहा है, विकसित हो रहा है, उसमें कुछ ऐसा हो जाए कि हमें एक मौका मिले हंसने का। समाज में बहुत ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग हुके चिलम के बहाने वहाँ करके बैठ गए, कुछ लोग रसीद दिखाने के बहाने आ गए, और यह सुनने के लिए कि श्री कर्ण सिंह आज अपनी पत्नी के पीछे खड़ा होकर के किस प्रकार पिता और भाई के प्रति विपरीत लड़ाई करने के लिए तत्पर है। कुछ लोग जो इनके दुश्मन थे उन्हें बड़ी खुशी हुई इस प्रकार की वाणियों को सुन करके कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, घर की जो मर्यादा है तार तार हो रही है। लेकिन स्वाभाविक रूप से आज उन्हें ऐसा मौका मिला और उस मौका का फायदा उठाने के प्रयास करते हैं। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इस द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जी जो चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। स्वाभाविक रूप से बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, लोगों का करके बैठना, लोगों को ताली बजाने का अवसर देखते हुए सारी बात को समझ गए, भाप गए, और उन्होंने प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो, इन दुश्मनों को ताली बजाने का मौका हम देने वाले बिल्कुल नहीं है। तुरंत अपने भाषा को संयमित करते हुए बोले कि बेटा मैं तुमसे बाहर बिल्कुल नहीं हूँ,
तुम्हारा जो जी चाहो करो। अब तो उस बच्चे ने अपराध किया ही है, लाल भाई ने गलती तो की है, और इस प्रकार से अपनी बातों को बदलने का भरसक प्रयास बेनी माधव सिंह ने श्रीखंड सिंह के सामने किया। इसके पश्चात और अन्य बातों को अगले क्लास में निर्मित किया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।